रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं बना रही हूँ जो मैं खाती हूँ वो है मशरूम ऑमलेट, और इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप एग वाइट, बिकॉज कहते हैं कि जर्दी जो है वो अच्छी नहीं होती, कैलेस्ट्रॉल होता है बहुत ज़्यादा, तो आप कोशिश करें कि आप एग वाइट का बनाया करें। मैं ये करती हूँ, मुझे बिल्कुल जर्दी भी पसंद है, मुझे होता है कि इसमें बिकॉज पावर होती है। एक अंडा प्रॉपर आपको ज़रूर खाना चाहिए, तो मैं एक अंडे की जर्दी निकाल देती हूँ और एक अंडा जो है ना वो मैं पूरा डालती हूँ। एक अंडे की मैंने ये देखिए इस तरह की चीज़ बनती है, आप इसको ले सकते हैं, बड़ी आराम से जल्दी निकल जाती है, इस तरह ज़ाया नहीं होता अंडा, ठीक है। और इसमें एक अंडा मैंने पूरा डाल दिया, ठीक है जी। और इसमें थोड़ा सा दूध मुझे देना रहा, अच्छा जी। इसमें ये देखिए मैंने चीज़ें डाल के रखी हैं, लेकिन ये मैं चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी धनिया, आप देख सकते हैं, और फिर मैं डालूंगी हरी मिर्चें थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ज़रा स्पाइसी पसंद है। धनिया मैंने सारा डाल दिया, बिकॉज एक तो कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है धनिया का। और मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम्स, मशरूम कैन वाले मिलते हैं, वैसे फ्रेश भी मिल जाते हैं। अगर आपको फ्रेश ज़रा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कैन वाले ज़रा लंबे जल जाते हैं, तो आप कैन वाले मशरूम्स ले सकते हैं, ठीक है जी। ये मैं इस तरह से बनाती हूँ अपना अंडा। कुछ सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप क्या खाती हैं, नहीं है, आप हमसे शेयर करें, इसी में आपको शेयर करूँ। तो नाश्ता मेरा होता है सिर्फ ऑमलेट का और एक कप चाय। ब्रेड मैं कोशिश करती हूँ ना लूँ, कभी मुझे बहुत भूख लगी हो तो फिर मैं ले लेती हूँ। ये देखो, ये ऐसे करके फिर पीछे ले जाना, ठीक है, स्टार्ट। मैं बना रही हूँ, मुझे भी दिखाना, मेरी जो वीडियो मेकर है जी वो मेरी बेटी है, और वो मेरी बेटी मेरी वीडियो बना रही है, इसलिए वो थक गई है तो ज़रा वो नीचे बैठ गई है, बट मेरी बेटी बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, ठीक है जी। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब आप ये देखिए मैं फ्राई पैन रख रही हूँ, डालूंगा थाना। ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया, काली मिर्च डाल ली है, रेड मिर्च, लाल मिर्च अच्छी नहीं होती मैदे के लिए, स्टमक के लिए, इसलिए मैं नहीं यूज़ करती, हरी मिर्च यूज़ करती हूँ। ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल आप ले लें, कम यूज़ कर सकते हैं, डाइट के लिए अच्छा होता है। ये देखें थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई पैन में डाल लिया है, ये कुछ ज़्यादा मुझे लगता है हो गया, और इसको थोड़ा कम कर देते हैं वापस। यार वो देना है कोई बाउल या कुछ जिसमें ऑयल डालती हो राबिया, वो जो है वो मेरे लिए मेरी हेल्प भी कर रही है, मेरे लिए बनाती भी वैसे वो है, लेकिन मैं आपको आज अपना खुद बना के दिखा रही हूँ। जल्दी दे दो बेटा, पूरी लाइफ ही उगानी है, ठीक है जी। इसमें तेल क्योंकि ज़रा ज़्यादा हो गया, आप नॉन स्टिक पैन लें तो अच्छा सा बन जाता है, ये आपने तेल थोड़ा कम कर लें, बिकॉज ऑमलेट ना वो चूस लेता है तेल को, और ना बिल्कुल रस जाता है, तो अगर आप कोशिश करें कि कम हो। देखिए जी फातिमा जी, आप इधर ज़रा पैन में दिखाएं, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट जी। और उसके बाद मैं ये करती हूँ, मुझे मेरी तरफ दिखा दें, मैं ये करती हूँ कि दोपहर का खाना जो है, जो भी घर में सालन बना होता है वो थोड़ा सा ले लेती हूँ, उसके साथ ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ, या कुछ सैलड बना लेती हूँ, वो सैलड भी मैंने आपको ऐसे दिखाया भी था, नेक्स्ट टाइम मैं आपको सैलड भी बना के दिखाऊंगी। तो दोपहर को मेरा ये होता है खाना, रात को ये होता है कि 7-8 बजे के बाद मैं कोशिश करती हूँ मैं ना खाऊँ। ये देखिए जी, ये अंडा बिकॉज मेरा तो टूट गया, कुछ चीज़ें गलती, इसमें आप चीज़ भी ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपको चीज़ पसंद है, वन स्लाइस ऑफ चीज़ इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, फैटनिंग थोड़ा सा होता है, लेकिन चीज़ कहते हैं खवातीन जो है वो खाना चाहिए, डॉक्टर जितने न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ब्रेड एंड राइस एंड शुगर, तो उसमें आप ये चीज़ खाएं। वैसे तो मैं तो मीठे की भी बहुत शौकीन हूँ, खाते पीते रहना चाहिए, इतनी सख्त भी डाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ वॉक करनी चाहिए। रात को खाने का मैं आपको बता रही थी कि रात को आप कोशिश करें कि आपको फ्रूट ले लें, दूध पी लें, रात का खाना स्किप कर दें। अगर आप रात का खाना स्किप थोड़ा सा करें या जल्दी खा लिया करें, 7 बजे तक डिनर कर लें, मेरा ये होता है कि मैक्सिमम 8 बजे तक मैं खा लेती हूँ, जो भी घर में सालन बनाओ, या फिर मैं कोई चपली कबाब लेके वो उनको फ्राई नहीं करती हूँ, पानी में उनको बना के वो कर लेती हूँ। तो ये जी मेरा ऑमलेट तैयार है, इसके साथ एक कप चाय होगी, और अगर मेरा मीठे का दिल कर रहा हो तो मैं फिर अजवा खजूर जो है वो रखी हुई है, तो कोई भी खजूर आप ले सकते हैं, खजूर में बड़ी एनर्जी होती है, और फिर आप ज़रूर खाएँ, दिस इज़ माई ऑमलेट। सो इस तरह से आप ऑमलेट बनाएं और इन्जॉय करें। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।